तो गाइस जैसे ही आप कोई सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो और ज्वाइन करने जाते हो तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है कुछ इस तरीके का। स्क्रीन आपको दिखाई देता है वहाँ पे, फेल टू कनेक्ट टू द सर्वर, नॉट ऑथेंटिकेटेड विद Minecraft.net। तो मैं इसको फिक्स करा दूंगा अभी। यहाँ पे कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फॉलो कर लेना, वैसे करना फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लो कि प्रॉब्लम आती क्यों है, इस दो दो चीज़ों की वजह से। पहला, आपका जो सर्वर है वो ग्लिच्ड है, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगा। इसे फिक्स कैसे करना है तो वो मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब करना तो है, कैसे थोड़ा ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना करने ही होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको अपने पीसी में जाना है सबसे पहले। तो ये मैं गया डिस्क पीसी में, फिर यहाँ से लोकल डिस्क सी में जाओ। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़। विंडोज़ में आने के बाद थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा गौर से जाओ, नीचे जाओ, नीचे एक सिस्टम 32 करके ये रहा, सिस्टम 32, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको फिर से नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको ढूंढना होगा ड्राइवर्स, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, यहाँ पे दूसरे ड्राइवर्स होते हैं वो, ये ड्राइवर। अब यहाँ पे ड्राइवर मिलने के बाद आपको जाना है ETC में। यहाँ पे एक फाइल है, इसको बोलते हैं होस्ट फाइल, ठीक है। इसको करो कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद इधर का काम खत्म, इसको कर दिया बंद, ओके इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे टाइप करो। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फटाफट से परसेंटेज AWP ऐप डाटा। हाँ तो मुझे परसेंट डालने की जरूरत नहीं है, पहले ही आ गया, लेकिन फिर भी परसेंटेज अपना लिखा देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा है सामने, ये फोल्डर आपको ओपन करना है, इसे ओपन करो और वो जो होस्ट वाली फाइल है ना उसको यहाँ करो पेस्ट। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ये पेस्ट हो गई है। और हाँ एक चीज़ और, जब ये सब काम प्रोसेस कर रहे होगे ना तो आपका जो ये लॉन्चर है ये बंद होना चाहिए, इसको पूरा कम्प्लीटली बंद कर दो। टास्क मैनेजर ओपन करके टास्क मैनेजर से भी इसको बंद कर दो, मतलब पूरा देंड करके रखना है इसको, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, ये कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, अब इसको हो गया काम। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और अभी हम वापस आ गए हैं, तो ठीक है, अब हम टी लॉन्चर को दोबारा से लॉन्च करेंगे फटाफट। ये हमारा सर्वर ऑनलाइन आ चुका है, तो फटाफट से अब हम ये सर्वर को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ज्वाइन सर्वर, कनेक्टिंग टू द सर्वर, ज्वाइनिंग, लोडिंग टेरेन, ये हम आ गए सर्वर के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व। जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो आप ये होस्ट फाइल को कॉपी करो और स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया मैंने वैसे जाके पेस्ट करो और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरा साइडर पैक मस्त लग रहा है तो उसका लिंक मेरी लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरे चैनल पे है, मतलब मैं रोज़ लाइव करता हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी मिलते हैं बाद में, गुड बाय।